समस्तीपुर जिले के मुक्तापुर श्री सुंदर हाई स्कूल में एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड स्टडी सेंटर का समापन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भोपन विश्व राय राम ने कहा कि सरकारी शिक्षा यह शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है। सरकार पूरे देश में एनआईओएसओ के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रही है। शिक्षक एक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं, वही जैसे मछली के लिए पानी आपकी 2 साल की उम्र है प्रशिक्षण प्राप्त करना, लेकिन यह ट्रेंड तब पूरी होती है जब आप इसे अपने स्थानीय विद्यालय के बच्चे को एक बेहतर शिक्षा दें। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे ये हमारा 2 साल का डीएलएड। सीधा हो गया। यहाँ इस एनआईएस डीएलएड से मैं 2 वर्षों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ और प्रशिक्षण एक शिक्षक के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक चीज़ है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने के लिए नियमित समय से विभाग को और हमें भी अच्छे से अच्छे इसे सफल बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए, ताकि हम आने वाले बच्चे का जो भविष्य है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुधार सके। पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे एनआईओएस को, जिन्होंने हमें प्रशिक्षित करने का इतना सुंदर मौका दिया। और इसके साथ साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे कोऑर्डिनेटर जिन्होंने समय रहते हुए और इतना बेहतर तरीके से हम लोगों को प्रशिक्षण दिया, इसके कारण हम सदा आभारी रहेंगे। हमारे भावी शिक्षक जो कि काफ़ी अनुभवी हैं, रियाज सर हैं, इकबाल सर हैं, अनीता मैम हैं, वो सभी काफ़ी अनुभवी हैं, मनिंदर सर हैं, तो उन सभी के बीच रह के हमने बहुत अच्छे से बहुत चीज़ें सीखी जो कि हमारे लिए एक यादगार पल के रूप में रहेंगी और काफ़ी हमारे भविष्य में काफ़ी मायने रखती है ये चीज़। और ये हमें ये पल हमारे लिए काफ़ी यादगार हो सकता है और नहीं है भी अभी भी। क्या नाम है आपका? थैंक यू, मेरा नाम सिमरन है, मैं आदर्श विद्यालय बनासी स्कूल से हूँ। समाप्ति समारोह श्री सुंदर हाई स्कूल मुक्तापुर में किया जा रहा है। यह सरकार द्वारा चलाया गया यह एक कार्यक्रम था जिसको हमारे यहाँ स्टडी सेंटर प्रोवाइड किया गया था और हम लोगों ने बहुत बाखूबी इसको सही से चलाया और आज उसकी समाप्ति समारोह किया, जिसमें हमारे यहाँ 200 प्रशिक्षु शिक्षक ट्रेनिंग ले रहे थे, जिसमें 190 उपस्थित रहे हैं। और उन सभी लोगों को मेरे द्वारा मेरे यहाँ आए हुए आरपी यानी समन्वय साधन से भी जो है वह लोगों ने अपने शिक्षा से उन लोगों को ट्रेनिंग की और यह 2 साल की कार्यशाला को समाप्त किया। और उसमें जो है सभी मेरे यहाँ जितने प्रशिक्षित शिक्षक उपस्थित रहे सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर शिक्षा प्रदान किया और अपनी ट्रेनिंग पूरा किया, जिसकी हम लोग आज समाप्ति समारोह। क्या नाम है सर आपका? जी रामेश्वर चौधरी, मैं असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ श्री सुंदर हाई स्कूल मुक्तापुर में। भारत सरकार के सौजन्य से एक बहुत प्रस्तावित प्रोग्राम था जो वर्तमान भारत सरकार ने धरातल उतारने का कार्य किया, इसके लिए जितना धन्यवाद दीजिए वो कम होगा। इस प्रोग्राम से पूरे भारत में जो प्राइवेट स्कूल संस्था में जो हमारे शिक्षक ट्रेनिंग ले रहे थे वो प्रशिक्षु के रूप में वे ट्रेंड होने के लिए ये भारतीय प्रोग्राम के तहत उन्होंने ये साल भर से ट्रेनिंग लिए हैं। इस ट्रेंड से जो इक्विवेलेंट यानी कि दूसरे जगह से लोग ट्रेंड होते हैं वैसे ही ट्रेंड ये डीएलएड वाले सभी प्रशिक्षु ट्रेंड माने जाएंगे। भारत सरकार शिक्षा विभाग का ये सोचना है कि भारत में जो भी शिक्षा दी जाए वो बिल्कुल प्रशिक्षित रूप में बच्चों को शिक्षा मिले, इसी प्रोग्राम के तहत उन्होंने आज इस काम को पूरा किया है।
समस्तीपुर जवाहर नवोदय विद्यालय बिरौली के पूर्ववर्ती छात्रों ने गरीब छात्रों के पढ़ाई में मदद के उद्देश्य से सैक्सो सॉफ्ट फॉर्म का उद्घाटन विजय कुमार कर ने फीता काट कर किया। सैक्सो फॉर्म का उद्देश्य है वैसे छात्रों को मदद करना जो आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और जीवन में क्षमता होते हुए भी भटक जाते हैं। सैक्सो फॉर्म में जवाहर नवोदय विद्यालय के 15 पूर्ववर्ती छात्रों का एक संगठन है जिसको उन्होंने धरातल पर उतारा है। आने वाले भविष्य में भी इसके बेहतर करने का उन लोग का सोच है। शॉप खोला गया है, इसके बारे में बताएंगे क्या मकसद है ये दुकान खोलने का? जो भी नवोदय से पढ़ के निकले और अपने क्षेत्र में तो जो पिछड़े हुए हैं उनके फ्यूचर के लिए, उनके अच्छे करियर के लिए ये लोग मिलकर प्रयास करेंगे, मेरी शुभकामना है। मेन मकसद क्या है कि जो नवोदया ग्रुप से आगे लोग पढ़ाई करके निकले हैं, जो सेक्टर्स लोग, जो कामयाब लोग हैं, जो एक अच्छे जॉब पे हैं, वो सब मिलके, जो उनके साथी लोग पिछड़े हैं उनके लिए सब मिलके एक प्रयास कर रहे हैं, किसी की पढ़ाई बीच में ना रुके और जो संभव मदद हो सके वो हम लोग करते रहेंगे। जितने भी यहाँ से निकले हुए जो कामयाब लोग हैं उनका मेन मकसद है कि जो हमारे साथी या कोई भी ऐसे हैं जो नवोदया से पिछड़े हुए हैं या पीछे हैं या किसी आर्थिक वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से कहीं कोई दिक्कत है, उनकी पढ़ाई रुक रही है, तो वो लोग आगे यहाँ से उनकी मदद करेंगे कि वो अपनी पढ़ाई आगे करें और वो लोग भी एक अच्छी जगह पे सब आदमी अपने अपनी जगह पे सेटलमेंट हो। अभी तक इस काम में आप लोग कितने लोग शामिल हुए हैं? ये 15 लोगों का एक ग्रुप है और नवोदया के सारे 15 हैं इसमें ग्रुप के, जो भी सक्सेस लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं एक अच्छे, वो सब लोग मिल के ये काम को कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिद्दर आलम हुआ और ये सारा प्रोडक्शन डायरेक्टर मैं हूँ, इसका सारा प्रोडक्शन जो भी इनमें आ रहा है वो मैं बनाता हूँ। समस्तीपुर बाजार के बीच बने गोलंबर जहाँ हमेशा से पुलिस वाले मौजूद रहते हैं, वहीं उनके सामने एक बुलेट मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को ट्रक ने कुचल डाला जिससे घटनास्थल पे ही उसकी मौत हो गई, जिसकी पहचान अरुण कुमार राय उम्र 42 वर्ष, पिता राम बाबू राय, ग्राम चकखेदर थाना चकमेसी है। वहीं उपस्थित पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल से पीछा कर ट्रक को चालक सहित पकड़ लिया और नगर थाना में लाकर जब्त किया और मृतक व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजभूषण चौधरी के आवास पर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर सन ऑफ मलाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने प्रेस वार्ता के दौरान नरेंद्र मोदी पर गर्जे विकास, जो देश का जनता का जो समस्या है, जो मुद्दा है, खास करके हमारी महागठबंधन की सरकार, यूपी की सरकार अगर दिल्ली में बनती है तो निश्चित तौर पे हमारा जो लक्ष्य है सबसे पहले युवा का रोजगार मिलना। मोदी जी ने तो वादा कर लिया कि हर साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 5 साल में 10 करोड़ नौकरी, यानी कि 1 जिला में 2 लाख नौकरी, तो 2 लाख 1 जिला में नौकरी तो दे नहीं पाए, 200 भी नौकरी नहीं दे पाए। अगर सेंट्रल सरकार का और केंद्र सरकार का अगर नौकरी देखेंगे, 1 जिला में 200 भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने वादा 2 लाख का किए थे, तो निश्चित तौर पे हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर नौकरी कैसे दिया जाए युवा को, युवा को रोजगार कैसे मुहैया हो, उस पर हम लोग का ज़्यादा फोकस होगा। किसान के लिए किस तरीके से बेहतर पॉलिसी लाया जाए जिसपे किसान का भविष्य बेहतर हो, तो मुख्य वही उद्देश्य होगा और ये सेंट्रल का पॉलिसी होगा और निश्चित तौर पे सेंट्रल के जो बड़े नेता हमारे होंगे, कांग्रेस के राहुल गांधी जी होंगे या अन्य हमारे जो भी लोग चुन के आएंगे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो निश्चित तौर पे हम लोगों का कोशिश होगा कि विकास हो, हर राज्य को विकास हो, उसमें बिहार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और खास करके ये हमारा मिथिलांचल, समस्तीपुर, दरभंगा, ये सब पे हम लोग यहाँ से हम बिलोंग करते हैं, तो निश्चित तौर पे हम ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करेंगे कि दरभंगा और समस्तीपुर, बेगूसराय, ये सब जिला में बेहतर से बेहतर अधिक विकास हो, तो यही हमारा मुद्दा होगा विकास का। और इससे पहले भी आप देखिएगा 70 साल देश की आज़ादी के बाद मैक्सिमम टाइम कांग्रेस रहा और देश देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा है, और आप 5 साल का तुलना कर लीजिए कि 5 साल पहले और आज में कितना बदलाव आया, निश्चित तौर पे वहीं का वहीं हम हैं, 5 साल में रुक गए और हमारा कोशिश होगा कि हम लोग आगे बढ़ते रहें और सबके जनता के हर किसी के सहयोग से होगा, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है कि विकास करा लेना, लेकिन उसके लिए
हमारा नारा भी है, खुद बदलो, समाज बदलो और देश को बदलो, राज्य को बदलो। तो निश्चित तौर पे हम लोग का युवा का भी रहेगा कि आप लोग बढ़ चढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिए समाज की ओर और समाज में बदलाव लाइए, इस तरीके का मुद्दा होगा।